वेलकम टू मेड अकेडमी माई नेम इज़ मलिका एंड टूडे वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास इलेवेंथ दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट सो जस्ट हम फटाफट रिवाइज करेंगे वॉट इज ऑल अबाउट लोकोमोशन का मतलब क्या हुआ सिंपली द एबिलिटी टू मूव मूवमेंट मतलब मूव कर पाना राइट right? तो लोको मोशन सिंपली वॉकिंग रनिंग जो भी हम वॉलेंट्रीली कर सकते हैं जो सी एन एस के पास इंफॉर्मेशन सारी जाती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो भी हम वॉलेंट्री कर पा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लोकोमोशन राइट तो हमारी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट्स हो रही हैं लोकोमोशन हो रही है फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम में वी ऑल नो दैट देर इज अ प्रेजेंस लाइक पैरामीशियम इज प्रेजेंट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीलिया जो हेल्प करता है क्या लोकोमोशन करने में हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप को चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बीन्स हैव वॉट लेग्स टू मूव राइट तो ऐसे ही पैरामीशियम में भी सीलिया प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शंस होती हैं दैट हेल्प इन द मूवमेंट राइट और क्यों ज़रूरत है लोकोमोशन की फॉर आर बेसिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी ऑल नीड राइट और और भी जैसे प्रोडेटर्स से बचने के लिए एनिमल्स को बेसिकली चाहिए होता है जो प्लांट्स में दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि नहीं होती है और भी टाइप्स हैं मूवमेंट की लाइक like, एमबॉयड सिलियरी एंड मस्कुलर तीन टाइप की मूवमेंट प्रेजेंट होती है एमबॉयड सिलियरी एंड मस्कुलर सिलियरी एंड मस्कुलर तीन टाइप की मूवमेंट्स प्रेजेंट हैं एम्बॉयड का मतलब जैसे अमीबा में लाइक like, ल्यूकोसाइट्स uh, में मैक्रोफेजेस में इस टाइप की अमीबा में सिंपली नाम है होती है क्या होता है सूडोपोडिया के थ्रू फूड है मूवमेंट हो रही है इनगल्फ कर लिया अंदर ले लिया तो इसी के थ्रू मूवमेंट भी ऐसे ही होती है तो एमबॉइड मूवमेंट जिसे हम बोलेंगे नेक्स्ट सिलेरी सिलिया जो प्रेजेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ईसोफेगस uh, में भी सीलिया प्रेजेंट है जो हेल्प है like है, है, करते हैं फूड को नीचे पेरिस्टालिक मूवमेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी लाइक फिम्बरे प्रेजेंट हैं वो सीलिया के ही हैं जो ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं तो दीज आर दिलरी मूवमेंट्स विच आर प्रेजेंट नोज में भी जो हेयर है पार्टिकल्स हैं उनमें भी सीलरी मूवमेंट होती है जो क्या करता है डस्ट को ट्रैप करके अंदर लेकर जाता है राइट सो दीज आर द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीलिया सिलरी मूवमेंट प्रेजेंट होती है मस्कुलर मूवमेंट मसल्स की मूवमेंट जॉ मूव करना हाथ पैर अपने हिलाना ये सारी क्या है मस्कुलर मूवमेंट है जिसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो राइट दैट इज कॉल्ड एस मस्कुलर मूवमेंट तो ये तीन टाइप की मूवमेंट थी अब मस्कुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मसल्स है ना तो मसल्स भी अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करता है लाइक मस्कुलर मूवमेंट में भी मसल्स की जो मूवमेंट है स्केलेटल मसल कार्डिक मसल एंड अंदर विसरन मसल तो क्या क्या इनमें मसल्स की जो मूवमेंट है बेसिकली मसल्स तीन टाइप में इसलिए आइडेंटिफाइड करी गई हैं क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का जो हेल्प करता है मूवमेंट में तो उसी के लिए मसल्स का तीन टाइप का डिफ्रेंसीशन किया गया है स्केल्ट्रल मसल कार्डियक मसल एंड विसिरल मसल तो हम तीनों को पढ़ते हैं कि क्या क्या मतलब होता है तीनों का पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की स्केलेटल मसल से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है स्केलेटल मसल से आपको नाम से क्या पता चल रहा है स्केलेटल मसल मसल्स हैं किस टाइप की मसल्स हैं ये स्केलेटल मतलब जो स्केलेटन से अटैच्ड होंगी हमारी जो बोन्स के थ्रू अटैच्ड होंगी जो भी हमारी मूवमेंट्स हो रही है लाइक आई एम मूविंग माई हैंड वी मूव आर लेग वी मूव आर जॉ जो भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं जो स्केलेटन या बोन से अटैचड है दैट इज कॉल्ड एज जो भी जो भी मूवमेंट पे प्रेजेंट है मस्कुलर मूवमेंट में जो भी प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटन मसल ऐसी मसल्स जो बोन से अटैच है जो मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं और इनको वॉलेंट्री मूव मसल्स भी बोला जाए वॉलेंट्री मूवमेंट भी बोला जाता है क्यों क्योंकि ऐसी मसल्स वॉलेंट्री मूवमेंट शो करती हैं क्यों क्योंकि अब सपोज जैसे वी ऑल नो दैट हम कुछ गर्म चीज को टच करेंगे देन वी हैव रिफ्लेक्स टू मूव आर हैंड्स ऑफ अवे फ्राम दैट थिंग ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल्स ओनली क्यों क्योंकि मसल्स क्या करेंगी अपना जो सिग्नल है वो ब्रेन में पहुँचाएंगी कि दिस थिंग इज़ वेरी हॉट वी हैव टू मूव आर हैंड अवे तो फिर वो मस ब्रेन से सिग्नल जाएंगे कि हाँ भई आपको अपना हैंड अप हटाना है तो इस टाइप की मूवमेंट क्या है वॉलेंट्री अवी नो दैट वी आर मूविंग आर हैंड हम मूव कर पा रहे हैं और ये सारी ब्रेन से कनेक्टेड सब ब्रेन से ही कनेक्टेड है बट हमारे कंट्रोल में है ये मूवमेंट्स मुझे पता है मुझे यहाँ पर अपना हाथ रखना है कहाँ पर भी कहीं पर भी करना है सो दैट मूवमेंट इज वॉलेंट्री वी कैन कंट्रोल आर मूवमेंट मुझे अपना हाथ रोकना है मुझे पता है मुझे अपना हाथ रोकना है मुझे पता है मुझे पता है, यहाँ पर रखना है मुझे पता so, these are the voluntary are so, है हटाना है तो दीज आर द वॉल्ट्री मूवमेंट्स विच आर प्रेजेंट तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखते हैं लोकोमोशन में हेल्प करता है नेक्स्ट हम आते हैं हमारे विसरल मसल्स पे और एक और चीज़ इसमें विसरल स्केलेटल मसल में स्ट्रिएटेड अपेयरेंस होती है मतलब स्ट्राइश जैसे अपेयरेंस प्रेजेंट होती है इस टाइप से जैसे मसल है बीच में ये स्मूथ नहीं होगा बीच में कुछ ऐसे uh, चीज़ें प्रेजेंट होंगी मतलब स्ट्रिप्ड अपेयरेंस प्रेजेंट होगी तो इसे हम बोल देंगे स्ट्रिएटेड अपेरेंस विसरल मसल्स की बात करते हैं विसरल मसल्स ऐसी मसल जो एलिमेंट्री के नाल के इंटरनल पार्ट में हमारे प्रेजेंट होंगी लाइक स्टमक के एकदम इंटरनल पार्ट में जो डाइजेशन में जैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है जो बोन्स के साथ स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच नहीं होती हैं दैट मसल्स आर कॉल्ड एज विसरल मसल्स एलिमेंट्री के नाल जो बेसिक है हमने पढ़ा है विसरल मतलब इंटरनल पार्ट एकदम इनर बॉडी का जो पार्ट हो जो जो तो बोन्स से कनेक्टेड नहीं पार्ट है वो वाला दैट आर विसरल मसल्स और ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है वी कैन कंट्रोल इट राइट फूड अंदर आ रहा है मसल्स को कंट्रैक्ट करना है रिलैक्स करना है जो मर्ज़ी करना है वो हमारी परमिशन से नहीं कर रही है सी एन एस का कंट्रोल इसमें इतना क्या है नहीं होगा क्यों क्योंकि मूवमेंट अपने आप खुद हो रही है उनकी उनको पता उनको क्या काम करना है हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके कंट्रोल नहीं कर सकते राइट सो दिस इज़ विस्टर मसल और ये स्मूथ अपेयरेंस मतलब कोई से स्ट्रिक्ट अपेरेंस नहीं होती सिंपल स्मूथ मसल्स होती हैं नेक्स्ट कमिंग टू कार्डियक मसल ये सबसे डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं कि इसमें कार्डियक मसल्स हैं जो सारी कार्डियक का मतलब ही क्या होता है हार्ट से रिलेटेड जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी हार्ट से रिलेटेड मसल्स होंगी दैट आर कार्डियक मसल पंपिंग जो करती है अब पंपिंग हमारे कंट्रोल में है क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि हार्ट मेरा पंप ना करे या करे नो दैट इज़ नॉट एन अंडर आर कंट्रोल सो देर आर इनवॉलेंट्री सिर्फ स्केलेटल मसल ही ऐसी मसल होती है जो क्या है जो स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल है जो वॉलेंट्री होती हैं बाकी ये दो मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स और ये भी स्मूथ हैं ये स्ट्रिप्ट अपेरेंस होती है राइट सो दीज आर द टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट. ना नेक्स्ट कमिंग टू स्ट्रक्चर कि मतलब स्केलेटरल मसल्स किस टाइप की बनी होती हैं थोड़ा सा वो पढ़ेंगे स्केलेटर मसल्स में न जैसे uh, ये स्केलेटल मसल muscle है मसल्स बहुत सारे मसल बंडल से बनी होती हैं दैट आर कॉल्ड एज मसल बंडल ही बोलेंगे आप फैसिकल्स भी बोल सकते हैं जो मसल बंडल से बनी हो हर एक मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है राइट right? और ये सारे जो है ना मसल बंडल एक मसल बंडल दूसरे मसल बंडल के साथ कनेक्टेड होता है दिस इज कॉल्ड एज फैसिया ठीक है एक मसल बंडल जैसे ये मसल बंडल है ये दूसरे मसल बंडल के साथ कनेक्टेड होगा थ्रू कनेक्टेड टिश्यू बिच इज कॉल्ड एज फैसिया राइट अब इनमें मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स हर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं ऐसे मतलब फाइबर्स किस फॉर्म में होंगे ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रेट फॉर्म में होंगे ना ट्यूबलाइट फॉर्म में तो ऐसे मसल फाइबर्स हर एक मसल के अंदर बंडल के अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जि और इनके अंदर जैसे ये मसल फाइबर है बाहर की कवरिंग को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है जिसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा और अंदर सार्कोप्लाजम जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है ना इसके अंदर होगा सार्कोप्लाज्म सार्कोप्लाजम और जैसे हर एक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो इसके अंदर क्या है सार्को रेटिकुलम है मसल बंडल मसल फाइबर की बात कर रही हूँ ये मैं सार्को रेटिकुलम और इसमें क्या प्रेजेंट है कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है जो क्या हेल्प करते हैं कैल्शियम कैल्शियमाइंस ये आगे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं साइकोप्लाजमिक रेटिकुलम प्रेजेंट है हर एक मसल फाइबर के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट लाइक मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर के अंदर ही प्रेजेंट है ये मायो My, मायोफिलामेंट्स भी बोल सकते हैं माओफिब्रिल्स भी बोल सकते हैं मसल फाइबर के अंदर माओफिब्रिल्स हैं और ये दो पार्ट होते हैं इनके एक होता है एक्टिन और एक क्या होता है यू हेल ए स्टडी दिस इज जस्ट अ रिविजन पार्ट एक हुआ एक्टिन और एक हुआ मायोसिन राइट एक होता है लाइट और एक होता है डार्क पैंट अब विच वन इज लाइट एंड विच वन इज डार्क पैंट इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं एक्टिन को और इसको हम ए बैंड बोलते हैं मायोसिन को राइट विच वन इज लाइट बैंड एक्टिन इज लाइट और मायोसिन कौन सा लाइट बैंड है एक्टिन इज लाइट बैंड मायोसिन इज डार्क पैंड और इनकी जो अरेंजमेंट है ये मायो में कुछ इस टाइप की प्रेजेंट होती है मतलब कुछ इस टाइप की प्रेजेंट होती है मायो के अंदर मसल फाइबर्स तो ध्यान रखिए पहले मसल है मैं थोड़ा फ्लोट बता देती हूँ कि कैसे हुआ ये काम ठीक है पहले क्या हुआ मसल्स है हमने तीन टाइप की मसल्स पढ़ी उसके बाद क्या हुआ मसल क्या था उसके बाद मसल बंडल मसल बंडल के बाद क्या आया मसल फाइबर और मसल बंडल किस मसल बंडल को और क्या कहते हैं फैसिकल जो किससे अटैच थी फैसिया से मसल फाइबर के बाद क्या आया मायोफिब्रिल्स मायोफिब्रिल्स में दो पार्ट हो गए एक हुआ एक्टिन बैंड और एक हुआ मायोसिन एक्टिन बैंड को आई बैंड भी बोलते हैं मायोसिन को ए बैंड भी बोलते हैं लाइट ये है डार्क ये है समझ आया आई होप समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं एक्टिन मायोसिन की थोड़ी ठीक है एक्टिन मायोसिन कुछ इस टाइप से जैसे ये हो गया हमारा कौन सा बैंड ए बैंड दैट इज मायोसिन ये थोड़ा वो है डार्क बैंड है लाइट लाइट बैंड कौन सा था आई बैंड ये थोड़ा डार्क है ये थोड़ा लाइट है मतलब मैं थोड़ा इस टाइप से दिखा देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा ये लाइट बैंड हो गया फिर इसके बीच में ये डार्क बैंड हो गया ये लाइट बैंड हो गया ये डार्क बैंड हो गया इस टाइप से माओफेबल्स में ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होगी राइट ये दो गैप्स प्रेजेंट है जेट इज़ कॉल्ड एज जेड लाइन सेंटर ऑफ आई बैंड आई बैंड के बीच में ये आई बैंड है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज जेड लाइन राइट ये ए बैंड है दैट इज मायोसिन ये आई बैंड है लाइट है दैट इज एक्टिन और जो ओवरलैप कर रहे हैं जो ये ओवरलैप का जो रीजन है राइट ये एक ओवरलैप ये पूरा जो रीजन है दो जेड लाइन के बीच में दैट इज कॉल्ड एज सार्को दैट इज कॉल्ड एज सार्को और ये जो ओवरलैप रीजन जो नहीं है दिस इज़ कॉल्ड एज एच जो जो ओवरलैप जिसमें नहीं हो रहे हैं ठीक है जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट ये थिक फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट जो ओवरलैप नहीं कर रहा दैट रीजन इज कॉल एस एच जोन और जो ओवरलैप कर रहे हैं ये पूरा जो रीजन है दो जेड लाइन के बीच में दैट इज कॉल्ड सार्को में तो इस टाइप के अरेंजमेंट और कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन ऐसे ही होती है कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा ये आई बैंड आगे आ जाएंगी रिलैक्सेशन में क्या होगा ये आई बैंड पीछे चली जाएंगी तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो मूवमेंट हो रही है मसल्स की दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि आई बैंड आगे होगा ए बैंड पीछे चला जाएगा तो ये रीजन होता है ये कुछ मसल्स का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है सार को मेयर का ये स्ट्रक्चर है अब हम थोड़ा और एक बार और इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी समझ में आ जाए जो फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट इज विच वन थिन और थिक मायोसिन जो सेंटर था ए बैंड वो थिक था एक्टिन फिलामेंट इज थिन बैंड तो एक्टिन फिलाेंट इज वॉट एक्टिन फिलाेंट इज अ थिन फिल्मेंट थिन फिल्मेंट है ये एक्टिन फिल्मेंट तो अब इसमें क्या है ये भी दो पार्ट में जो है वो बना हुआ है एफ एक्टिन का बना होता है ये एक्टिन जो है ये एफ एक्टिन का बना होता है और इसके ऊपर भी दो पार्ट होते हैं एक होता है ट्रोपोनिन और दूसरा क्या होता है एक होता है ट्रोपोनिन और दूसरा क्या होता है ट्रोपोमायोसिन राइट right. दो पार्ट होते हैं मैं स्ट्रक्चर से बनाती हूँ ये मैंने बनाया मेरा इफेक्ट जैसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही होता है तो मैं पूरा बना देती हूँ दूसरा भी ऐसे इन प्रेजेंट होता है राइट right. इसके ऊपर ही तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन और उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन तो so, ट्रोपोनिन ही क्या होता है ट्रोपोनिन इज द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेजेंट जो रिलीज हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो so, ट्रोपोनिन ही गाइड करता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन होगी या नहीं होगी तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मायोसिन फिलामेंट मायोसिन एक्टिन एफ एक्टिन का बना हुआ था मायोसिन किसका बना होता है मेरो मायोसिन का और स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है मेरो मायोसिन उसमें दो पार्ट होते हैं एक होता है ऐसे ग्लोमर हेड और ये टेल पार्ट हो गया ऐसे दो पार्ट होते हैं ये टेल पार्ट हो गया ठीक है इसकी ये हेड हो गया जिसपे ए टी पी बाइंड करता है और ये टेल पार्ट हो गया ए टी पी बाइंडिंग साइड यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे ए टी पी बाइंड होती है यहाँ पर राइट तो एक होता है हमारा हैवी हेड जिसे बोलेंगे टेल को हम क्या बोलेंगे एल एम एम दैट इज लाइट हेड को हैवी मेरोमायोसिन अभी हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ेंगे कि क्या काम होता है ये जो ए बाइंडिंग साइट है ना ये ट्रोपोनिन से बाइंड करती है ताकि वो इजीली मूव कर मतलब ट्रोपिनिन हट जाएगा तो ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करते हैं ताकि वो इजीली कंट्रैक्शन uh, हो सके दैट वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट नेक्स्ट कि क्या प्रेजेंट होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ओके okay. इसमें क्या होता है जब आ, मसल्स को मोटे मैसेजेस मतलब मिलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करनी है किससे मिलते हैं सी से मिलते हैं सी से मैसेजेस मिलते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए तो क्या सिक्रीट होता है दो मसल्स के बीच में गैप होता है तो एक मसल क्या सिक्रीट करता है बहुत एसिटाइल कोलिन कुछ ट्रांसमिटर्स होते हैं दो मसल्स के बीच में गैप होता है तो दो मसल एक मसल मतलब ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा है तो गैप से सक्रीट होते हैं एसीटाइल कोलिन मसल्स में पहुँचते हैं मसल्स में पहुँचने के बाद एसिटाइल कोलिन क्या करता है कैल्शियम आयन को उसको इंक्रीज करवा देता है क्योंकि कैल्शियम आयन साइक्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में अभी जस्ट मैंने बताया साइकोप्लाजमिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं तो कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाते हैं अब कैल्शियम रिलीज हो रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा वो अपना काम शुरू कर रहे हैं तो वो एक्टिन फिलामेंट में भी मतलब मसल फाइबर से बाहर निकल के अपना फंक्शन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं तो बेसिकली ये जो सारा काम हो रहा है ना वो किसकी वजह से हो रहा है वो सी की वजह से हो रहा है राइट सी एन एस सिक्रीट कर रहा हैं सिग्नल्स तो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा है और उसकी वजह से कैल्शियम आइन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कीप इन माइंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज प्रेजेंट द कैल्शियम आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो कैल्शियम आयन सिक्रीट होंगे तो वो क्या होगा उसके बाद ट्रोपन इन कैल्शियम आयन क्या करेगा रिमूव कर देगा क्यों क्योंकि ट्रोपेनिन क्या है एक तरीके से एक्टिन को कवर करके रखा हुआ है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ना हो पाए बेसिकली काम ट्रोपिनिन का यही है कैल्शियम क्या करते वो हैं वो ट्रोपिनिन को हटाता है और ट्रोपनिन अगर हट रहा है तो क्या होगा उसके बाद सपोज दिस इज योर एक्टिन अब इसमें से आ, ये हो गया हमारा ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन ये ठीक है अब ये हट चुका है इसमें से प्रोपोनेंट हट गया क्यों क्योंकि कैल्शियम ने क्या किया हटा दिया अब मेरोमायोजिन क्या करेगा ये ए बाइंडिंग साइट से यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है ए के थ्रू एनर्जी चाहिए होगी क्यों क्योंकि तभी हमें जो एक्स्ट्रा थकान होती है फिटीक होते हैं हम क्यों होते हैं बिकॉज हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है राइट ए टी के थ्रू क्या होगा एटीपी टी पी यहाँ पर बाइंड करेगा एटीपी क्या करेगा इसको आगे हेयर मूवमेंट में हेल्प करेगा मतलब ब्रिज फॉर्मेशन होगी जैसे सपोज दिस इज माय एक्टिन राइट दिस इज माय एक्टिन और मायोसिन तो यहाँ पे मायोसिन जैसे एटीपी टी यहाँ पर प्रेजेंट है एटीपी ने क्या किया एटीपी की वजह से ही मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड करेगा अब क्या होगा ये क्या करेगा आगे हेल्प करेगा जैसे ये मायोसिन बाइंड था तो ये ऐसे मतलब ये थोड़ा सा आगे कॉन्ट्रैक्शन में जैसे ये ऐसे ये पीछे जाएगा ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये ये जो एक्टिन फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट जो प्रेजेंट था अगर याद हो तो इस टाइप से था ना ये एक्टिन है ये मायोसिन है तो यहाँ पर मायोसिन नहीं है तो ये आगे है और ये ऐसे तो ये क्या करेगा ये आगे खिसक जाएगा ये आगे खिसकेंगे दोनों मतलब ये ऐसे होंगे ओ, ये ऐसे आगे की स्किन कंट्रैक्शन करेंगे जैसे दोनों साइड से ही ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी होगी कि नहीं होगी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन तो ये क्या करेगा ये आगे मूव करेगा ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके एटीपी की वजह से अब एटीपी ने अपना काम कर दिया तो अब एटीपी जब काम कर देता है तो ए टी पी ब्रेक डाउन करता है इन टू वॉट इंटू ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो ये दोनों अब बाहर निकल जाएंगे अब ए टी पी ने अपना काम कर दिया ए टी पी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ए टी पी ने क्या कर दिया ए टी पी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आगे हो गए ए टी पी ने अपना काम कर दिया अब ए डी पी प्लस इन अब इसका काम नहीं है अब ए डी पी और इनऑर्गेनिक बाहर निकल जाएंगे और ये अपनी पोजिशन पर पीछे जाएगा जैसे ये आगे हुए थे ये वापस आ जाए कॉन्ट्रैक्शन करी इन इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन जैसे आगे कॉन्ट्रैक्शन करी ये पीछे रिलैक्स हो गए yeah. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो इस तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो काम की जाती है मतलब तो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं ये क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद जैसे बुक्स में भी आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कब होती है जब रिलैक्स स्टेट में होंगे और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होंगे तो क्या होगा ये आगे की तरफ आने की कोशिश करेंगे राइट और ए बैंड छोटा होगा कि बड़ा होगा अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ए बैंड क्या होगा ए बैंड छोटा होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं राइट right? ओके okay. तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी अब मसल्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो प्रोवाइड करता है मसल्स को कलर दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन रेड मसल फाइबर्स होते हैं वाइट मसल फाइबर होते हैं रेड मसल फाइबर्स में क्या प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो पिगमेंट है जो कलर भी प्रोवाइड करता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी जो ए भी सिक्रीट करने में हेल्प करता है रेडिश अपेयरेंस भी देता है तभी इसको रेड मसल फाइबर बोलते हैं और उनमें क्या है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है माओग्लोबिन में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, है तो ए क्या होगा कम होगा कि ज़्यादा होगा ए टी ज़्यादा ही होगा अब ए ज़्यादा है तो इनमें स्लाइडिंग फिलामेंट थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी व्हाइट मसल फाइबर्स भी होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन कम होते हैं मायोग्लोबिन कम है तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा कम होगा और एटीपी भी क्या होगी कम होगी तो उसमें क्या होगा क्वॉन्टिटी कम है माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे तो ये एनारोबिक प्रोसेस में डिपेंड होंगे ये एरोबिक प्रोसेस पर डिपेंड होंगे तो डिफरेंसेस आ सकते हैं वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट किस में आ, किस में एरोबिक प्रोसेस होता है इस वाले में रेड में क्योंकि माइटोग ए टी ज़्यादा है तो एरोबिक प्रोसेस इसमें ज़्यादा होगा और एनोरोबिक किस में होता है वाइट मसल फाइबर में जिसमें माओग्लॉबिन नहीं है तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं राइट सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो इन दिस टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम एम सो सॉरी स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन वॉट आर योर प्रॉब्लम एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बेड अकेडमी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस रिलेटेड टू जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड फॉर द फ्री स्टडी मटीरियल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बेड अकेडमी थैंक यू वेरी मच